हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, अभी नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा ऑफिशियल अपडेट आया है। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह अपडेट अभी आया है। एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है फिर से नीट 2021 में। दोस्तों, जब से नीट 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किए गए हैं, कई चेंजेस करे जा चुके हैं और आज फिर एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है जो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दूं, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर न्यूज़ आई है। एनटीए हैज़ रिलीज़ अ नोटिस फॉर बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट्स स्टूडेंट हु वांट टू अप्लाई फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्सेज मस्ट नोट दैट द मिनिमम एज फॉर एडमिशन शैल बी 17 ईयर्स एज ऑफ दिसंबर 31st ऑफ द ईयर इन विच एडमिशन इज सॉट एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज एट nta.ac.in पे। ठीक है बच्चों, आपको बता दूँ, इस बार बीएससी नर्सिंग के भी एडमिशन एनटीए की साइट पर जो न्यूज़ निकली है, नीट के एंट्रेंस टेस्ट से ही होंगे। तो आपको बता दूँ, मिनिमम एज जो है वो 17 साल सभी को मालूम है, लेकिन इस बार मिनिमम एज 31 दिसंबर 2021 को आपकी होनी चाहिए। मैक्सिमम एज अभी भी कोर्ट की तरफ से कोई भी आदेश नहीं आया है, तो सभी लोग नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं जो 17 साल के ऊपर हैं। फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अ कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ पीसीबी एंड इंग्लिश इंडिविजुअली एंड मस्ट हैव ऑब्टेंड अ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स टेकन टुगेदर इन पीसीबी एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। सभी बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ हैं मार्क्स को लेकर। आपको बता दूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश में इंडिविजुअली आपको जो है मार्क्स 45% मिले होने चाहिए, और पीसीबी में क्वालिफाइंग जो 12th के बच्चे हैं उनको एग्रीगेट मार्क्स 45% होने चाहिए। कुल मिला के कैंडिडेट्स कैन चेक द ऑफिशियल नोटिस फॉर मोर डिटेल्स ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप चाहें तो वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। फिर बता दूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश इंडिविजुअली एंड मस्ट हैव ऑब्टेंड अ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स टेकन टुगेदर इन पीसीबी। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कुल मिलाकर एक साथ 45% और इंग्लिश में भी 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। और जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं उनको 5% की छूट दी गई है। आपके जो है 40% भी होंगे तो भी आप एप्लीकेबल हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इससे आपको एडमिशन आराम से जो भी कॉलेज होगा, इंस्टीट्यूट होगा या डीम्ड यूनिवर्सिटी होगा तभी मिलेगा जब आप में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाएगा। आपको मालूम है कल लास्ट डेट है 10 अगस्त एप्लीकेशन फॉर्म की। जल्दी से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म जिन्होंने नहीं भरे हैं भर लीजिए। करेक्शन विंडो 11 अगस्त से 14 अगस्त तक खोली जाएगी, जिसमें आप अपनी जो भी मिस्टेक्स है उसको सही कर सकते हैं। तो आपको ये लेटेस्ट न्यूज़ थी जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर आई है। इस अपडेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।